भाई क्या यहीं पे है, घर पे ही है वो। बैठिए, अगर उस तरह का होता तो हम क्यों बोलते। हे गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइज, राजा ब्लॉग के हम गांव में गए थे, उसके घर पे भी मैं गया था, उसकी माँ ने दरवाज़ा बंद कर ली थी अंदर से। राजा ब्लॉग का जब मैनेजर आया तो उन्होंने दरवाज़ा खोला और थोड़ा सा खोल के फिर वो वापस क्लोज कर दी। मैं गांव वालों से मिला वहाँ पे, गाँव वाले कोई भी इसके खिलाफ नहीं है, कोई इसके अगेंस्ट नहीं है, सब लोग इसके साथ है। बट गाइज, आप बताओ कि आप अगर किसी गाँव से बिलोंग करते हो तो आपको पता होगा कि गाँव वाले नहीं चाहते हैं कि गाँव का जो इज्जत है वो सोशल मीडिया पे या कहीं दूसरे गांव में भी उछाला जाए, क्योंकि गांव वाले जो होते हैं गाइज वो चाहते हैं कि मेरे गांव से कोई लड़का निकले और मेरे गांव का नाम रोशन हो। तो गांव वाले क्यों अगेंस्ट होंगे? अब आप गाइज अगर कमाने लगोगे, पैसे आने लगेगा, तो आप अपने आप को बड़ा समझ लोगे। बड़ा जो होता है ना वो झुक के रहता है। अगर आप चाहोगे कि मेरे पूरे गाँव वाले मेरे सामने झुक के रहे तो ये तो इम्पॉसिबल है ना। हर गाँव में गाइज एक संस्कार होता है कि बड़े बुजुर्ग जो भी मिलते हैं उनको प्रणाम करते हैं, पांव छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं उनसे। तो यही सारी बातें हैं गाइज। तो चलिए गाइज, जब सीधा चलते हैं राजा ब्लॉग के घर पे। उसकी माता ने वहाँ से झांक के देख ली, प्रणाम भी मैंने किया, बट जवाब नहीं दी उसने, आशीर्वाद नहीं दी। कोई बात नहीं है, मेरा पेमेंट दे दे, आशीर्वाद नहीं चाहिए मुझे। दरवाज़ा थोड़ा सा खोल के और बंद कर दी, ऐसा लगता है कि जैसे कुत्ता बाहर खड़ा हुआ है जो दरवाजे के अंदर इनके घर में घुस जाएगा। क्या भाई, अब यहीं देखना बाकी रह गया था, कब से खड़ा हूँ यहाँ पर। और दरवाज़ा खोली भी तो फटाक से बंद कर दी। कोई आया था उनका दोस्त, घर के अंदर गया, फ़ोन करके उसी ने बुलाया और फटाक से थोड़ा सा खोल के बंद। नहीं, वो तो एकदम दरवाज़ा ऐसे खोल के बंद की, जब आए पाए तो लगा कि जैसे कोई कुत्ता खड़ा है वो अंदर घुस जाएगा। तो अभी कुर्सी पर बैठने से क्या फ़ायदा है, ठीक है हम खड़े हैं, ऐसे नहीं ना होता है। कैमरा बंद कर। अभी आवाज़ सुनाई दे रहा था, ऊपर वो लोग बात कर रहे थे तो मैं सुन रहा था नीचे। भाई क्या यहीं पे है, घर पे ही है वो। बैठिए, अगर उस तरह का होता तो हम क्यों बोलते। बाकी रह गया कितना, 35। हाँ, 65 में 82,000 लिए थे मेरे से, 82,000। तो 82,000 में जब मेरे चाचा जी का डेथ हुआ था तब 17,000 दिए थे, तो बच गया 65,000। तो 65,000 में 30 दे दिए तो बच गया 35,000। तो कब देंगे वो, कुछ बताया नहीं है। चाची से कश्मीर में हम काम करते हैं समझी, 7 लाख का मुझे घाटा लग गया एक साइड पे, एक प्रोजेक्ट हम लिए थे वहाँ पे, 7 लाख का घाटा लग गया। और फ्रेंडशिप जो होता है ना, फ्रेंडशिप दोनों तरफ से चलता है, एक तरफ से नहीं चलता है। मतलब बहुत सारे भी क्रिएटर है जो अपने दोस्त का नाम लेते हैं अपने वीडियो में। इन्होंने तो आईफोन लिया तब भी मेरा नाम नहीं लिया, मेरे कमेंट का भी ये कोई मतलब रिप्लाई ये सब नहीं करते थे। बुरा फील हो रहा है मुझे, वैसा बात नहीं है, हो रहा है। अगला 5 को जो है आपके अकाउंट पे पैसा लग जाएगा, 5 तारीख को। 5 दिसंबर को, बहुत ज़्यादा दिन हो जाएगा। मुझे और भी कहीं कहीं जाना है, मुझे नेपाल भी जाना है, बॉम्बे भी मुझे जाना है। दोबारा आना नहीं पड़ेगा, वो पैसा आपको ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा अकाउंट से। आज ही मैं नहीं आता, जिस तरह से मैसेज का उन्होंने जवाब दिया ना मुझे, अगर वो बोल देते 20,000 भी, अगर बोलते ना 30,000 20,000 की मैं आपके अकाउंट में भेज रहा हूँ तो मैं आता ही नहीं। चलिए क्या करेंगे, 5 तारीख जी, खाली अपना ही है। अगर आप बताइए कि ये अगर इंस्टॉल पे अगर लिए होते किसी बैंक से लेके, मुझे बोल रहे थे कि आप अपना क्रेडिट कार्ड हमको दे दीजिए, क्रेडिट कार्ड से आपको हम कटवा देंगे और हर महीने पैसा भेजते रहेंगे। तो अगर उस तरह करते तो इंटरेस्ट के साथ वो हर महीने EMI भरते कि नहीं भरते हैं? मेरे पैसे का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है। और थोड़ा सा क्या, मतलब कोई भी क्रिएटर अगर किसी का कोई हेल्प करता है या किसी के साथ दोस्ती रखता है तो वो चाहता है कि दोनों तरफ से चले, वन साइडेड
चलता ही नहीं है वो एक साइड से कहाँ चलता है। अगर एक साइड से अगर कोई मान लीजिए आपका हेल्प करता है तो वो चाहेगा कि आपसे भी थोड़ा उसको हेल्प मिले, तभी तो चलता है। बिहार में सबसे पवित्र नदी गंगा नदी जो है वो इधर से होके गुजरती है, तो यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। देखिए बहुत सारी मूवी का यहाँ पे भोजपुरी मूवी का शूटिंग हो गया है और इधर से ऐसा दिख रहा है। और पानी का बहाव देखिए कितना तेज है। मैं पहली बार अपने लाइफ में आया हूँ गंगा नदी के तट पे। अब थोड़ा उधर चलते हैं, उधर बोट लगा हुआ है, देखते हैं कि वो बोट चालू कंडीशन में है कि नहीं। अगर कोई योगा चलाने वाला है तो अंदर भी जाकर थोड़ा सा व्यू दिखा देंगे आपको और घूम भी लेंगे। यहाँ पे गाइज इतना शीतल हवा लग रहा है ना, बिल्कुल अलग लेवल का सुकून मिलता है। और देखने में गाइज कितना भयानक लग रहा है, मुझे तो डर लगने लगा था। उधर से पीपल का पेड़ है, उधर शायद पूजा वूजा होता होगा। चलते हैं वहाँ तक, वहीं तक जाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। अरे ओ भाई साहब, असली वाला व्यू तो यहाँ से ना दिखता है। उधर से मुझे खाली वो बोट दिख रहा था, बट यहाँ पे ये भी है और उधर से इतने सारे बोट लगे हुए हैं। ये सब गाइज मोटर बोट है और बहुत बड़े बड़े हैं। देखिए कितने बड़े बड़े हैं, गंगा नदी में मोटर बोट। इसमें सामान वामान लेके जाते हैं क्या? इधर इस पर बालू आता है। अच्छा, तो ये बालू के लिए है। ट्रक में मुझे लगता है कि दो ट्रक हो जाएगा, दो ट्रक। हाँ, एक बोट वहाँ से चलते हुए आ रहा है। अरे भाई बहुत साउंड है इसमें, लगता है कि जैसे ट्रैक्टर का इंजन है। अरे भाई मज़े कर लो, कितना आनंद आ रहा होगा सबको जो बैठे हैं उसमें। इसमें मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको दिखा रहा हूँ, इसका ये स्टेयरिंग ये है, देखिए ये जो आगे जो है ये, और बाकी जो इंजन है इसका यहाँ पे है और इधर से सामान रखने के लिए है। यहाँ पे मैंने इस पे चढ़ के कुछ पिक ले लिया जो इंस्टाग्राम पे आ जाएगा। तो अब चलते हैं यहाँ से, अब बहुत मस्ती कर लिए। तो यहाँ पे गाइज गंगा मैया से दर्शन कर लिए और कमेंट में आप भी लिख दीजिए जय गंगा मैया। तो अब चलते हैं सीधा, अब मुजफ्फरपुर में एक होल्ड करेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, उसके बाद सीधा घर पे। अभी गाइस जिस डेस्टिनेशन पे हम रुके हैं ये आजू बाजू में दूर दूर तक कोई गांव कोई घर नहीं है, बस चेवरा है। इधर से चेवरा बोलते हैं मेरे यहाँ, चेवरा इसलिए बोलते हैं कि इधर कोई फसल नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। हाँ मछलियों का व्यवसाय इधर बढ़िया है, देखिए वो सब जाली लगाया हुआ है मछलियों को पकड़ने वाला। अब गए जा गए हैं, ये है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स इधर से और इधर से। तो यहाँ से मुझे सिर्फ सर्फ लेना है, सर्फ एक्सल। देवी जी ने फोन किया था और इसके अंदर का गाइज वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगा बिकॉज म्यूजिक इसमें चलते रहता है तो कॉपीराइट क्लेम आने का खतरा होता है। और आ भी जाता है, एक बार मैंने बनाया था तो आ भी गया था। यहाँ से अपना सारा काम हो गया, जो जो उनका ऑर्डर था वो मैंने खरीद के इधर रख दिया है। अब नाइट में रास्ते का क्या ही भी बनाऊंगा, अगर कहीं पे कोई ऐसा सिचुएशन आ गया तो बनाऊंगा, नहीं तो सीधा अब घर पे ही मिलते हैं। तो अभी फाइनली गाइस पहुंच गए घर पे और गाड़ी को मैंने ऑफ भी कर दिया है, बच्चे सब आ गए। देखिए देखिए युवराज को कैसे देख रहा है उधर से, कौन छुप रहा है उधर? युवराज छुप रहा है। बोल रहे थे कि फोन किया था तो बोल रहे थे मेरे लिए गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे। तो राजा लोग पैसा कहाँ दिया, ये गाड़ी खरीदेंगे देगा तब ना। देखो गाइस अभी युवराज का डिमांड अभी बाकी ही है। वहाँ पे लोग बोल रहे थे युवराज से मिलेंगे हम, युवराज के लिए मैंने ये लिया है और ये मैगी इन लोगों के लिए है।
कोई भी गार्जियन जब बाहर से घर पे आते हैं ना, तो बच्चों सब का यही सब चीजें होता है जिसका इंतजार रहता है। और कमाते हैं किसके लिए गाइस, और करते हैं किसके लिए सब कुछ? बच्चों के लिए ही तो करते हैं। अंजाम सोचे बिना कहीं भी चले जाना, कोई भी कदम उठा लेना, ये सब किसके लिए? बच्चों के लिए ही तो होता है। लेकिन बच्चों को भी समझना चाहिए कि मिसयूज नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ का। कोई भी गार्जियन अगर देते हैं कुछ, तो उसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर आप भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे और आप बच्चे होंगे, तो आपके पापा भी ऐसे ही करते होंगे जैसे मैं करता हूँ। बहुत गाइस, बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है लाइफ में बच्चों को पालने के लिए, अपने फैमिली को खुश रखने के लिए। तो अभी गाइस टाइम हो गया है 07:49। तो अभी चेंज करते हैं, और चेंज करने के बाद वीडियो का एडिटिंग करेंगे 12 बजे तक। हाँ, तो इस ब्लॉग को गाइस यहीं तक रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत लॉन्ग हो रहा है। आई होप आज का ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए। मिलते हैं गाइस जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। 30,000 दिया, 35,000 बोलता है कि अगले मंथ, यानी कि टोटल मिला के 5 महीना हो जाएगा गाइस। Why can't you just fall in love? You are what I'm looking for.